जय हिंद एंड वेलकम टू तो फोर्सेंस एकेडमी दिस इज आर्य श्री सोलंकी और आज हम पढ़ेंगे इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के बारे में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आजकल बहुत न्यूज में भी रह रहा है बहुत टाइम से तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअली है क्या इसके क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं कैसे अफेक्ट पड़ेगा इसका और क्यों ये इतना ज्यादा न्यूज में है ठीक है वन मोर थिंग बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू की एज हमारे इतने सक्सेसफुल कैंप्स रहे हैं जितने जिनसे इतने ज्यादा सक्सेसफुल रिकमेंडेशन रहे हैं सो वी वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू एक्सपीरियंस द कैप वन सो दट यू कैन ऑल्सो हैव प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू एस एस बी तो हम लोग फोर्स डिफेंस अकेडमी वापिस से एक एस एस बी कैम्प ऑर्गनाइज करा है फोर्थ ऑफ डिसंबर से आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द डिटेल्स टू रजिस्टर योर सेल्स यू हैव अ प्री प्रैक्टिस बिफोर गोइंग टू एस एस बी ओके गाइस नो लेट्स बिगिन द टॉपिक वेरी मतलब प्योर टाइप ऑफ अल्कोहल है एग्रीकल्चरल हमारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उनको इधर उधर डीकम्पोज करने के बजायल बना लेते हैं इथेनॉल को हम पेट्रोल में ब्लेंड करके हमारे पास बहुत अच्छा फ्यूल हो गया ठीक है तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग इथेनॉल इज इज अ अ बायो फ्यूल मेड फ्रॉम प्लांट कॉर्न शुगर केन और अदर तो नाउ इट सच गुड थिंग कि नॉर्मली एक गाड़ी चलाने को हमें अगर एक लीटर पेट्रोल लगता है ठीक है तो हम उस एक लीटर पेट्रोल को इथेनॉल से ब्लेंड करके कितना ज्यादा फ्यूल बना सकते हैं और एक्स्ट्रा है ना तो वन लीटर ऑफ पेट्रोल कैन टर्न इनटू मेनी लीटर्स ऑफ फ्यूल व्हिच कैन रन योर व्हीकल्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं ठीक है वेन ब्लेंडेड विथ पेट्रोल इथेनॉल इन्हेंसेज द फ्यूल क्वालिटी तो फ्यूल क्वालिटी जो है इनहेंस बढ़ती है विच रिजल्ट इन अ स्मूदन एंड मोर एफिशियट कम्बस्टन प्रोसेस तो नॉर्मली क्या होता है जब हम पेट्रोल वगैरह कम्बस्ट करते हैं तो हमें दिखता है सूट सूट इज दैट ब्लैक डिपोजिशन जो हम देखते हैं एकदम काला काला जो जम जाता है ठीक है तो वो इनकम्प्लीट कम्बस्टन से होता है तो इसमें इनकम्प्लीट कम्बस्टन नहीं होता ट कंबेशन से पॉल्यूशन भी बहुत होता है जो कि आपको फ्यूल्स में मिलेगा पेट्रोल डीजल्स वगैरह बट जब आप उसको इथेनॉल से ब्लेंड करोगे तो कम इनकम्प्लीट कम्बेशन नहीं होगा मतलब सूट प्रोडक्शन विल नॉट बी तो पॉल्यून नहीं होगा ठीक है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल इमिट्स लेस कार्बन डाइऑक्साइड अगेन कार्बन डाइऑक्साइड भी कम इमिट करता है इट इज ऑल्सो रिवेबल सोर्स ऑफ फ्यूल फ्यूलबल मतलब बायोफ्यूल तो आप बार बार बना सकते हो एग्रीकल्चर से प्लांट से बन शुगर केन से बन रहे तो यू कैन कीप ऑन मेकिंग बायोफ्यूल

इंपोर्टिंग पेट्रोल एंड इंडिया इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा है? है ऐसा ही नहीं हर चीज में पॉजिटिव एवरी साइड इथेनॉल कंटेंट्स लेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब पेट्रोल के एक लीटर में जितनी गाड़ी चल सकती है तो इथेनॉल ब्लेंडेड के साथ अगर वो एक लीटर है तो कम गाड़ी चलेगी एवरेज माइलेज हमारा जो है वो कम हो जाएगा ठीक है लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है रेगुलर पेट्रोल से तो लोअर माइलेज हो जाएगा हमारा नेक्स्ट इट कैन बी मोर हाइग्रोस्कोपिक देन रेगुलर पेट्रोल हाइग्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज्यादा वाटर अट्रैक करेगा वाटर रिटेनिंग उसकी बढ़ जाएगी तो वाटर रिटेनिंग से क्या होगा जो आसपास के हमारे मतलब जो गाड़ी के अंदर है ठीक है पेट्रोल फ्यूल ब्लेंडेड जो है वो गाड़ी के अंदर है और अगर वो वाटर रिटेन वाटर एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है तो उससे क्या होगा जितना भी आसपास का इंजन होगा वो बहुत ज्यादा कोरोड हो सकता है उसमें जंग लग सकती है बिकॉज ऑफ वाटर प्रेजेंस नेक्स्ट इट्स नॉल ब्लेंडेड पेट्रोल इज मोर एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस एक्सपेंसिव तो होगा एटलीस्ट इनिशियली तो एक्सपेंसिव होगा ही ठीक है अब एक्सपेंसिव इथेनॉल का नहीं बोल रहे हैं लेकिन मेकिंग एथेनॉल स्टोरिंग एथेनॉल ट्रांसपोर्टिंग एथेनॉल ये सारी चीज़ें मिला कि वो एक्सपेंसिव हो जाता है लोअर माइलेज एंड हायर कॉस्ट तो क्योंकि अब बा बायोफ्यूल और इथेनॉल बनाने में थोड़ा हायर कॉस्ट आ रहा है एटलीस्ट इनिशियली तो आ रहा है उसके बाद माइलेज भी कम मिल रहा है तो लोगों को थोड़ा सा इसपे से ऐसा इंटरेस्ट कम आ रहा है बट एज मोर एंड मोर पीपल वुड बी अवेयर ऑफ इट एज मोर एंड मोर गवर्नमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स वी मेड ऑन इट लोगों को समझ में आएगा कि हाउ दिस इज अ मच बेटर ऑप्शन देन यूजिंग जस्ट पेट्रोल ओके For more such information, subscribe to our channel. So then keep watching. Jai Hind.